उदल राजा स्टूडियो प्रेजेंट्स। तारी बाटी जो तारी चढ़ने आज गोठा वाला लीला पे चढ़ने तारी बाटी तारी बाटी निहारू तारी चढ़ने आज डुगरी वाला लीला पे चढ़ने तारी बाटी तारी बाटी निहारू तारी आजो मौजा वाला लीला पे चढ़ने प्रेजेंटिंग बाय उत्तल राजा स्टूडियो आजो गोठा वाला लीला पे चढ़ने तारी बाटी जो मुआ तारी आजो भला वाला लीला पे चढ़ने करली में आके बैठो गोठा वालो श्याम करली में आके बैठो गोठा वालो श्याम कारज सारे नारायण साडू मां को लाल सारे नारायण साडू मां को लाल थारी बाटी जो रे तारी चढ़ने आजो गोठा वाला लीला पे चढ़ने प्रेजेंटिंग बाय उत्तल राजा स्टूडियो करली के हर दे बसिया गोठा वाला श्याम करली के हर दे बसिया गोठा वाला श्याम करली के हर दे बसिया गोठा वाला श्याम अणकी नैया पर लगा दे साडू थारी बाट निहारू रे अतारी चढ़ने आजो भला वाला लीला पे चढ़ने बोलदे नारायण भगवान की भगवान विष्णु करने लगे हैं बात 12 वर्ष की माया काया तो भगवान शिव जी ने दे दी 12 वर्ष की काया दे दूं आपने में घोट के खाजो पीजो मौज करजो करजो जीव का लाड जीव शरीर का पावना रे भोजा जी नहीं आवेगा दूजी बारे पृथ्वी माता ने कहा भगवान जी के प्रभु बेकुंठ में जाओ लक्ष्मी आपकी बाट जोड़ेगी आज 24 ही सुरमा भगवान के ध्यान में विराजमान थे भगवान विष्णु करवा लागा है वन से बात देखो रे 24 ही सुरमा था के पाछे कहीं आवे छे आज जैसे 24 ही ने मुड़ के देखियो भगवान अंतरिक्ष हो गया आज 24 ही सुरमा वटे बैठ के और भगवान की भक्ति करवा लागा किस प्रकार से भगवान विष्णु साडू माता ने जाचवा जाए किस प्रकार से भगवान अपना भेष का त्याग करे जय
जेने छह महीना की आगे पाछे की मालूम पड़े वह कहीं भगवान विष्णु से छड़ावे और को नेम साहब की जंदन वो स्वयं करता दिसंबर घरे भिक्षावर्ती के लिए आवे उनी दन घरे आटो फूट जावे। संसार को तो एक ऐसो नेम है कि संसार अगर थोड़ो सो कई कारज नहीं सरे नहीं तो परमात्मा से मुख मोड़ ले। क्या होगा परमात्मा से मुख मोड़ने से? मत मोड़ो से मुख। बोल देव नारायण भगवान की है ये दुख सुख की रेखा तो उसके हाथ में। जब वो की स्वयं की नहीं बना सक्यो तो अपन तो इंसान है साहब। यशरथ जी ने राते शाम के समय भगवान की सारी ही राज तिलक की सामग्री तैयार कर ली और सुबह जो समय ने पलटा खाया तो भगवान के 14 वर्ष का वनवास हो गया। राज तिलक घरे रह गयो और परमात्मा के वनवास जानो। अरे जयदेव करता दिसंबर ने रिसायो क्यों रिसा रिया हो? मत रिसाओ मारा ना तो ना जाओ घरे अबे भी देना भगवान की जय। ये तेरा है ये मेरा है थारो मारो नहीं है साहब। जो भी ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। इंसान के संग में सारी ही बातें लिखी है। हानि लाभ दुख शोक जस अपयस मरण जीवन ये सब ईश्वर के हाथ है। कोई आते हैं कोई चले जाते हैं। ये संसारिक मेला ही उसने इसलिए बनाया है। मनुष्य तन जब भगवान ने धारण करो नहीं तो मरनो उनके भी पड़ी पड़ी। ब्राह्मण को तो बेस बनायो आराम से ये वाने खड़ियो खांदे धर लियो जी। हाँ खड़ियो खांदे धर लियो जी। ए साड़ू सती की द्वार पे जाके अरे अलग जगायो आज जी अलग जगायो आज प्रभु ने। जयराम जी की देवनारायण भगवान की है। ब्राह्मण को तो बेस बनायो खांदे खड़ियो रखियो साड़ो माता की द्वार पे जाके और भगवान विष्णु ने अलग जगायो। इस समय के ऊपर पहुंचे थे भगवान जिस समय साड़ू माता स्नान कर रही थी मेल के आएंगे। सती के तन के ऊपर वस्त्र नहीं था। थोड़ा सा बोलने का काम कम करोगा तो ही कथा होगा आज नहीं तर के असो नहीं बंद हो जावा। जा उस समय पे जाके और भगवान ने अलग जगाया सती के तन पे वस्त्र कोनी स्नान हो रिया। साड़ू माता करवा लागी है दासी से बात मोती को थाल भर ले है हमारी दासी और जा तू ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण होगा तो थारा हाथ की भिक्षा ले लेगा और स्वयं भगवान विष्णु होगा तो थार से हो जावेगा इनकार।
सती जब स्नान कर रहा था, दासी ने मोती को धाड़ भर के और कही भगवान विष्णु के सामने जय। दासी ने कहा कि लो महाराज मैं भिक्षा लाई आज। भगवान ने कहा कि तू कौन है कि मैं साडू की दासी हूं। भगवान करवा लागा हीरा से बात। एक घरा की तू बेटी रे के वाणी, अरे दूजा घरा की नारी री। अरे साडू माँ के लारे दी, साडू माँ के लारे हीरा। ये हो गया रे इनकार प्रभु बसे, हो गया रे इनकार दी। देवनारायण भगवान की है। एक घरा की बेटी केवाणी तू दूजा घरा की नार। तीसरा घरे तू दासी आई है साडू माँ के लार। जिस प्रकार से थारी भाई सा स्नान कर रही है वैसी ही अगर लाके भिक्षा दे तो भिक्षा लूंगा, नहीं तो मैं दे दूं आरे शराब। पहला शराब से अतरा डरता था कि जेकी कहीं नहीं कह सका, और अबे शराब की पन्निया कांकड़ कांकड़ चाली फर रही है परमेश। कहां तक डरे डरे भी तो देवनारायण भगवान की जय। दासी ने जाके कहा कि माता मेरे हाथ की भिक्षा से इनकार हो गए हैं, और जिस प्रकार से थे स्नान कर रहा हो वैसे ही जाके अगर भिक्षा मिलोगा तो भिक्षा लेगा, नहीं तो आपने शराब देगा। सती समझ गई कि भगवान विष्णु आए हैं मेरे द्वार। तन के ऊपर वस्त्र कोनी माता के, मोती को थाल भर लियो, एक हाथ में दूध को गिलास ले लियो। सती नंगे बिस्तर से जब परमात्मा के सामने गई, भगवान ने मुख मोड़ लिया। साडू माता करवा लागी है परमात्मा से बात। भिक्षा लेवा आया अन्नदाता, ये थाने मुंडो मोड़ी लियो आज भी। मोती को थाल भर के लाई, मीठो दूध पतासा घोल के आई हूं थारे पास। भिक्षा ले लो ये जोगी थे भर मोती की थाल, हमारा हाथ को दूध पतासा पी लो थे घोट के। भगवान का मुख मुड़ा हुआ था, भगवान विष्णु करवा लागा साडू माता से बात। तन पे वस्त्र कोनी वो साडू कहीं के रिया है, थारे कोनी आई रे लाजे दी। हाँ कोनी आई रे लाजे
राजे जी ये वस्त्र पहनी के आती वो साडू अरे भिक्षा देवा आज जी भिक्षा देवा आज साडू ये कोनी आई लाज सरदार मारा रे गड़ा की आने साडू तारे मारा गड़ा देवनारायण भगवान की जय तन पे वस्त्र कोनी ये सतवंती थारे कोनी आई लाज वस्त्र पहन के आती है दासी तू साडू तू भिक्षा देवा आज या बात माता ने सुनी और पड़गी वदन में आज्ञा गई तो सती केवे और कई भगवान विष्णु सुने घणो तो नचायो रे भगत ने मारे नाना तो भाती भगत के आगे भगवान के हमेशा नाचना पड़ो कई के लिए सती के अरे जासी था अरे भेजी थी मारे बाजे यमेशी आई की पाजली माता भी हो और आप ही मेरे पिता हो मैं आपकी पुत्री हूं मेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए हो भिक्षा ले लो प्रभु आज उसी समय भगवान विष्णु ने माता साडू का शीश का केस बढ़ाया सारो ही अंग सती को केस से ढांक्यो और भगवान ने सती की ओर मुख कर लियो भगवान विष्णु माता से करवा लगा है बाते कई तो विष्णु केवे और कई साडू माता सुने थारी भक्ति से राजी वो साडू ये वादे ये थाने दई तू आशीर्वाद हाँ बेकुंड को तो राज मांगी ले अरे थाने दई दूं आज जी थाने दई दूं आज साडू
नारायण भगवान की जय। थारी भक्ति से राजी है साडू, जो मांगी वो मिल जावे गोट के। आइए तू अगर के दे माता तो मैं दे दूं थारे वैकुंठ को राजे, गोरम को डूंगर सोना को कर दूं, वाके खोद के मंगा लीजिए गोट के। आइए आप अगर के दो तो मैं लक्ष्मी को दे दूं रे श्रृंगार। साडू माता देख के बोली के आप और मारे देवाया कि हाँ सती गरबा लागी है बात, कहीं साडू माता केवे और कहीं भगवान विष्णु सुने। अरे आसारे दा यारे प्रभु ये वाद ये यारे तबे कुंटा माये जी ये सदान दे भाई यारे प्रभु कई करिए माँ भंडार भरिया रे।